दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक ऑफ रोड कार। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके की हमारी कार है, इसमें आपको टोटल 8 पहिया देखने को मिलेगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यह कार कैसी है। यह देखिए 1/18 स्केल कार है, इसमें आपको रबर के टायर देखने को मिल जाएंगे, जो सारी बातें इसमें दी गई है। तो चलिए हम बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यह कार कैसी है। और इसका दाम लगभग फ्लिपकार्ट पे आपको 1800 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, एक कार मिल जाएगी, एक बैटरी और एक हमारा बंदूक वाला रिमोट, ये कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले इसके हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये सारी चीज़ आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, सब प्लास्टिक का है और टायर जो है रबर का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको शॉक अब्जॉर्बर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर ये ऑफ रोड कार है, अगर आप इसको बाहर चलाएँगे गिट्टी उट्टी वाले इलाके में, तब ये आसानी जो झटका उटका लगेगा इसमें ये आसानी से सह लेगी, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एकदम झटका उटका सहने में सह लेगी आसानी से। टायर की क्वालिटी भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही ग्रिपी टायर आपको इसमें देखने को मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का टायर। ऐसा कि नहीं देखने में भले ऐसे नरम सा लग रहा हो कि फट फुट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। और मिलना भी चाहिए क्योंकि 1800 रुपये लिए हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही सही क्वालिटी का टायर है इसमें। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए सीट वुड भी लगाए हुए हैं और साथ ही साथ एक स्टीयरिंग भी दिए हैं। बस सजावटी सब सारी चीज़ें दी गई है। ओवरऑल इसके बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही सही देखने को मिलेगी। प्राइस भी लिए हैं तो बिल्ड क्वालिटी नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ का बटन है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी लगाने का दिया गया है कि यहाँ से आप बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी जो है ये आपको 500 mAh की मिलेगी, 3.7 वोल्ट की, और लिथियम आयन की बैटरी जो बहुत ही अच्छी है, जो डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी नहीं होती, कुछ इस तरीके से लग जाएगा बैटरी, देखिए बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसको एडजस्ट करके ढक्कन को आप बंद कर दीजिए। देखिए ढक्कन बंद हो चुका है। और हम आपको दिखा देते हैं रिमोट। रिमोट की क्वालिटी की बात करते हैं तो रिमोट आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ट्रिगर आपसे इससे भगा उगा सकते हैं और इससे लेफ्ट राइट होगा तो बताइए। और एक बटन यहाँ पे दिया है, मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। तो चलिए इसमें बैटरी लगा देते हैं। दो आपको इसमें बैटरी लगानी पड़ेगी डबल ए साइज़ की, तो प्लस माइनस देख के आप लगा सकते हैं। इधर ऊपर प्लस रहेगा, हाँ इधर प्लस इधर माइनस। ये देखिए बैटरी लगते ही जब आप कोई बटन दबाएंगे तो ये देखिए बल्ब जलेगा, पता चलेगा कि ये चालू है या नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितने टायर इसकी काम करती हैं। 8 टायर दिए गए, कितने टायर में पावर है, तो आपको 4 टायर में पावर देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। आगे भी होना चाहिए था इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि जो मॉन्स्टर कार आती है उसमें आगे वाले में भी पावर होता है, लेकिन इसमें नहीं दिए हैं पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी बहुत ही सही है। देखिए इससे आगे कर सकते हैं, इस ट्रिगर से ऐसे करेंगे पीछे जाएगी, ऐसे आगे जाएगी, ऊपर करेंगे तो पीछे जाएगी, लेफ़्ट राइट करने के लेफ़्ट ऐसे राइट ऐसे आसानी से आप कर पाएंगे ट्रिगर। और ये वाला जो बटन है इसको जब आप दबा देंगे बटन, तो अपने आप एक करतब दिखाने लगेगी, कभी आगे जाएगी लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, ऐसे ऐसे अपने हिसाब से भागने दौड़ने लगेगी। अगर बंद करना हो तो ट्रिगर दबा दीजिए, बंद हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बाहर लेकर चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमारी कार कैसे चलती है, और साथ ही साथ हम इसका पावर भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे इसका पावर कैसा है। तो चलिए अब हम आपसे बाहर मिलते हैं।
दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, तो चलिए हम आपको इसकी स्पीड दिखा देते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तेज़ है। स्पीड के मामले में आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है और इसका रिमोट कंट्रोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेफ़्ट राइट और बहुत ही सही तरीके से हो जाता है। और इस वाले इलाके में भी बहुत ही आसानी से चल लेती है, जैसे ईंटे वाला इलाका हो, उबड़ खाबड़ उस तरीके के इलाके में भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल लेती है। बहुत ही सही कार है, कार कह लीजिए या ऑफ रोड कार कह लीजिए या मॉन्स्टर कार कह लीजिए, बहुत ही सही है। जिस हिसाब से ये लोग दाम लिए हैं 1800 रुपये, उस हिसाब से एकदम ख़तरनाक कार। स्पीड आप देख सकते हैं, जैसे दोनों टायर में इसके पावर है तो उस हिसाब की इसकी स्पीड है, बहुत ही तेज़ से भागती है। अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज कर लेंगे तब आपको चलाने में और भी मज़ा आएगा। शॉक अब्जॉर्बर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, जैसे ऊपर से नीचे गिरती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से गिरती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। हमारी देखिए कार यहाँ पर फंस चुकी है, अब इसके नीचे देखिए एक पत्थर आ चुका है, तभी यह फंस गई है हमारी कार। तो चलिए देख लेते हैं पावर किस में ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कार है लेफ़्ट साइड वाली, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसमें कम पावर है। देखिए अभी प्रयास कर रही है कि इसको खींचें लेकिन खींच नहीं पा रही है। हमारी ऑरेंज वाली जो कार जिसमें 8 टायर है उसमें पावर ज़्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उसको, इस वाली कार को, राइट वाली को बहुत ही आसान तरीके से खींच ले रही है हमारी कार जिसमें 8 टायर है। 8 टायर जिसमें जो है वो हमारी कार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पावर के मामले में ये वाली कार हमारी जीत जाती है ऑरेंज वाली। ये वाली भी देखिए प्रयास करें, इसका पहिया देखेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा, ये प्रयास करें कि आगे बढ़ें लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। तो चलिए बोतल हम गिराकर आपको दिखाते हैं, बोतल एकदम खाली है इतने टाइम, ये देखिए। इस बार बोतल भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा भरा है, देखते हैं बोतल गिरा पाती है हमारी कार कि नहीं गिरा पाती। ऊपर प्याली भी रखी है तो बोतल नहीं गिरा और प्याली हमारी गिर गई। ये देखिए प्रयास हमारी कार कर रही है लेकिन फिर भी इसको नहीं गिरा पा रही, एक बार और ट्राई करते हैं। चलिए एक बार और ट्राई करें, देखते हैं इस बार गिरा पाती है या नहीं। इस बार भी यह गिरा नहीं पा रही है। तो दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा कि इस कार को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप इस कार को ख़रीद सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है और रिमोट कंट्रोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ इसका बैटरी का बैकअप भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बहुत ही सही कार है, प्राइस थोड़ी हाई है लेकिन कार अच्छी है। बस दोस्तों आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।